बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ कैसर मलिक, आप लोगों के साथ सर्विंग इंजीनियरिंग डिजाइनिंग इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोफाइल के ग्रेड के मुतालिक। ये आप देख रहे हैं कि ये ग्रेड्स लगे हुए होते हैं, इसके साथ ये स्टार्ट एलिवेशन, उनके ये एलिवेशन वगैरह सारे कैलकुलेट हुए हुए होते हैं। तो आपने इस ग्रेड की मदद से एक्सेल के अंदर इन अपने एलिवेशन को कैसे कैलकुलेट करना है। मुख्तलिफ ग्रेड्स होते हैं, ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये पॉइंट माइनस 0.13 का है, उसके बाद 2.94 का प्लस के अंदर है, उसके बाद वर्टिकल करा हुआ है, उसके बाद ये ग्रेड्स होते हैं। तो ये हम सिंपल ग्रेड्स की कैलकुलेशन करेंगे एक्सेल के अंदर, कि आप इन शीट्स को एक्सेल के अंदर इसके एलिवेशन को कैसे बना सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपको तरीकाकार पूरा बताऊंगा आपने कैसे एक्सेल के अंदर इसको बनाना है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, जिधर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हम इंजीनियरिंग की सर्विसेज फ्राहम करते हैं, जिसके अंदर हम आपको इधर से लैंड डिमार्केशन के जितने भी काम हैं आपके पास, इसी तरह रोड कैनाल्स के क्रॉस सेक्शन हैं, टापो सर्वे है, ड्रेनेज है, डिज़ाइन सर्वे का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है, सिविल 3D के अंदर, ईगल पॉइंट्स के अंदर, किसी भी के अंदर जो भी रोड डिज़ाइनिंग के वर्क हैं वो हम करके देते हैं। एसबिल्ट सर्वे हम करके देते हैं, जिसके अंदर आपको एसबिल्ट ड्राइंग्स भी सारी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग मल्टी स्टोरी प्लाजा है, उनकी जो भी ड्राइंग्स वगैरह जो भी आप डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं वो हम करके देंगे। लैंड डिवेलपमेंट प्लानिंग के हवाले से जितने भी वर्किंग है आपके, सोसाइटीज़ हैं आपकी, टाउन प्लानिंग है आपकी, प्लॉटिंग है आपके, इसी तरह रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लाट्स हैं, रोड प्लाट, ड्रेनेज वर्क है, उसका सीवरेज वर्क सिस्टम वगैरह, सारी वर्किंग हम आपको अच्छे तरीके से करके देते हैं। टॉपोग्राफिकल सर्वे है, जो किसी भी किस्म का टॉपोग्राफिकल सर्वे रोड का है आपके पास, कैनाल्स का है आपके पास, जो सोसाइटीज़ का जो भी आप टॉपोग्राफिकल सर्वे करवाना चाहते हैं हम आपको अच्छे तरीके से करके दे सकते हैं। गूगल सर्विसेज हैं, गूगल लैंडमार्क्स है, इसी तरह गूगल के अंदर कोई प्लान बनाना चाहते हैं, KMZ KML फाइल्स वगैरह जो भी चीज़ आप करवाना चाहते हैं हम आपको करके दे सकते हैं। इसी तरीके से हाउस प्लान, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह, जो भी आर्किटेक्ट के हवाले से कोई आप प्लान वगैरह, कोई आप मार्किंग, कोई लेआउट वगैरह आप करवाना चाहते हैं, तो इस सिलसिले के अंदर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये ऊपर मेरा फ़ोन नंबर है, पाकिस्तान के अंदर आप मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं जो काम आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो ये इस हवाले से जो जो से भी अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म की वर्क की एक्टिविटी है तो वो आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने के ऊपर हम जाते हैं तो ये देख रहे हैं कि आप हमारे पास स्टार्ट स्टेशन है, ये ड्राइंग है हमारे पास स्टार्ट स्टेशन। सपोज हमारे पास इधर आप ये देख रहे हैं कि ये बिगनिंग का प्रोजेक्ट है हमारे पास 20+300 का। आप ये देख रहे हैं कि 20+300 का है, आपने इधर इस तरह का एक टेबल इधर बना लेना है। ये स्टार्ट एलिवेशन के हिसाब से कि स्टार्ट स्टेशन है, आपने इधर स्टार्ट स्टेशन लिख देना है 20+300 का स्टार्ट एलिवेशन। इसी स्टेशन का आपने इधर एलिवेशन लिखना है, एलिवेशन हमारे पास है 217.06, 205 का ये एलिवेशन आ रहा है। यह आपने इधर एलिवेशन लिख लेना है, 217.05 का एलिवेशन आपने लिख लेना है, और उसके बाद ये ग्रेड जा रहा है, ये ग्रेड जा रहा है -0.13 के अंदर। तो जो भी ग्रेड जा रहा है वो आपने इधर लिख लेना है, पॉइंट माइनस के साइन लगानी है, -0.13 का आपने इधर ग्रेड लिख देना है। तो ये हमारे पास ये इनपुट हो जाएगा, आपने जस्ट इधर से इसके ज़रिए अभी हमने इस एलिवेशन के ज़रिए अपने एलिवेशन कैलकुलेट करना है। अभी सपोज देख रहे हैं कि हमारे पास ये आगे PC स्टेशन आ रहा है 0+20+755 के ऊपर, तो आपने इधर एंड स्टेशन तक इधर बना देनी है RDs अपनी जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर आपको चाहिए। पहली RD हमारी आ जाएगी 20-300 की, उसके बाद आप जितने जितने डिस्टेंस के ऊपर बनाना चाहते हैं, 10-10 के ऊपर बनाना चाहते हैं तो आप 10-10 के ऊपर इसको बना लें। इसी तरह दोनों को बनाने के बाद इसको आपने दोनों को सिलेक्ट कर लें और पार्नर से पकड़ के आप इसको उधर नीचे तक ले आएँ। जितने भी आपके पास स्टेशन आ जाएंगे वो जो जो सा भी आपने इंटरवल रखा होगा वो आ जाएगा। आप इसी तरह 20 मीटर के ऊपर लगाना चाहते हैं तो 20 के ऊपर आप बना दें और दोनों को बना के और इधर नीचे तक आप पेस्ट कर दें। जितने इधर डिस्टेंस के ऊपर आप इसको बनाना चाहते हैं वो उतना डिस्टेंस के ऊपर आपने इसकी RDs लगा देनी है। इसको आपने इधर सेंटर कर लेना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के ऊपर आना है, नंबर्स के ऊपर आ जाना है, इधर से कस्टम के ऊपर जाना है और इधर आपने इस जर्नल को रिप्लेस कर देना है 0+00.00 RD के फॉर्मेट के ऊपर, जो भी RD का फॉर्मेट जा रहा है इसको आपने ओके कर देना तो ये आपका RD का फॉर्मेट पे आ जाएगा। ग्रेड हमारे पास जा रहा है इधर -0.13 का, आप इधर से इसी तरह इसको साथ लिख सकते हैं, इधर 0.130 आप लिखें, आप इधर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन आसानी के लिए आपको समझाने के लिए तो आप इधर से इसको इसके सामने लिख दें। तो लिखने के लिए आप इसको इधर से नीचे तक पेस्ट कर दें, पेस्ट करने के बाद इधर से आप इसको सेंटर कर लें और इधर से आप इसके डेसिमल प्लेसेस जितने भी आप सेट करना चाहते हैं कर लें। स्टार्ट एलिवेशन है 20+300 के ऊपर 217.05, ये हम पहला स्टार्ट एलिवेशन अपना यही लिख लेंगे इधर से।
इसी तरह आप ये देख रहे हैं कि नीचे आ जाएंगे। अभी हमने नीचे आना है इस ग्रेड के हिसाब से और इन आर डिस्क के ऊपर इधर अपना एलिवेशन कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने इक्वल टू लगाना है, इस एलिवेशन को आपने सेलेक्ट कर लेना है, इधर से आपने F4 कीबोर्ड की मदद से प्रेस करना है और इसके साथ ये डॉलर साइन आपने लगा के इसको लॉक कर देना है। उसके बाद आपने प्लस का साइन लगा लेना है और इधर आपने दो ब्रैकेट्स को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने ये जो ग्रेड है ये आपने जो सेलेक्ट करना है, आपने ये ग्रेड परसेंट के ऊपर नहीं लिखना, जस्ट डेसिमल के अंदर लिखना है। इस ग्रेड को सिलेक्ट कर लेना है और जैसे आपने मल्टीप्लाई बाई कर लेना है, आपने एक ब्रैकेट और इधर लगा देनी है, आपने सेकंड डिस्टेंस माइनस इधर से फर्स्ट स्टेशन वाला जो है सेकंड आरडी और इधर से फर्स्ट आरडी को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इस फर्स्ट आरडी को आपने इधर F4 प्रेस करके आपने लॉक कर देना है। तो आप ये देख लें कि डॉलर साइन के जरिए हमने दोनों फिगर अपने टॉप वाला एलिवेशन और टॉप वाला स्टेशन इधर लॉक कर दिया है। इसके बाद आपने इधर से ब्रैकेट को क्लोज करना है और डिवाइडेड बाई 100 कर देना है, एंटर कर देना है, यस कर देना है। एक ब्रैकेट हम तो छोड़ गए थे, हमने एक ब्रैकेट को इधर लगा के और इधर इसी तरह इसको क्लोज कर देना। तो ये हमारे पास 20+310 के ऊपर जो एलिवेशन आ जाएगा इस ग्रेड के हिसाब से -0.30 के हिसाब से 217.037 आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इक्वल टू करना है, ये वाला एलिवेशन आपने सेलेक्ट करना है, इसको F4 प्रेस करके लॉक कर देना है, प्लस करना है, इधर आपने डबल ब्रैकेट लगा देनी है, आपने उसका अपने सामने वाला ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है, मल्टीप्लाइड बाई आपने करना है, उसके बाद आपने इधर डबल ब्रैकेट दोबारा लगानी है और सिंगल ब्रैकेट आपने लगा दे, इधर सिंगल ब्रैकेट आपने लगानी है और इधर से आपने इसी तरीके से RD2 ये जो सामने वाली RD आ रही होगी और माइनस आपने कर देना है स्टार्ट वाली RD, स्टार्ट वाली RD को आपने F4 प्रेस करके इधर से लॉक कर देना है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है, डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। ये जो 100 डिवाइडेड बाई कर रहे हैं ये परसेंटेज की मदद से वजह से कर रहे हैं कि परसेंटेज जो होगा उसके ऊपर आपने डिवाइडेड बाई 100 करना है। उसके बाद आपने ये ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, एक और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, इंटर कर देना है। तो अभी आप देखेंगे 20+320 के ऊपर हमारे पास एलिवेशन आ गया 217.024 का। अब आपने क्या करना है, आपने इधर से इसी तरीके से कॉर्नर से इसको पकड़ना है और नीचे तक जिधर तक आपकी आरडीज आपके पास रिक्वायर स्टेशन है आपने इधर से उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करेंगे तो ये सारे आपका फार्मूला जो होगा ये ऑटोमेटिकली आपका लग जाएगा। आप देखेंगे स्टार्ट स्टेशन हमारे पास वही है, स्टार्ट एलिवेशन भी वही है, स्टेशन भी वही है और बाकी फार्मूला उसके सामने से इसी तरह चेंज हो रहा है। तो अभी हम आते हैं 20+350 वाली आरडी के ऊपर, ये हमारे पास आरडी आ रही है, इधर से मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। आप देख रहे हैं 216.99 है, इधर 16.985 है, ये 2 डिजिट्स में लिखा हुआ, ये मेरे पास 3 डिजिट्स के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से आप 40 के ऊपर आ जाते हैं, इधर से एलिवेशन 216.92, ये आप देख रहे हैं कि 216.92 इधर एलिवेशन आ रहा है। इसी तरीके से आप आगे आ जाते हैं और इधर 450 के ऊपर इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इधर से 216.855, तो ये आप इधर से देख रहे हैं कि 216.86 है। तो ये आप ये इसी तरीके से आपके 3 डिजिट्स में कैलकुलेशन होती जाएगी। 600 के ऊपर है, 600 के ऊपर हमारे पास एलिवेशन है 216.67, इधर हमारे पास 66 आ रहा है। इसी तरीके से आप आते हैं 700 के ऊपर तो 216.53 है, 700 के ऊपर 216.54 है और इसी तरीके से एंड वाला जो हमारे पास है 755 वाली एंड आरडी है, आपने इसको 755 तक बना लेना है और 216.459 तो हमारे पास जो इधर एलिवेशन आ रहा है 216.46, तो ये आपने इसी तरीके से इसके एलिवेशन बना लेने हैं। ये आपके बहुत इसी तरीके से इधर सारे एलिवेशन वगैरह आपके इधर कैलकुलेट होते जाएंगे। आपने को ये मैंने तरीकाकार बताया कि आप ग्रेड के ऊपर एलिवेशन को एक्सेल के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर भी आपके पास जो भी ग्रेड आ रहा है आपने इस फॉर्मेट को भी बना लेना है। आरडी आपकी कोई भी है, सपोज मैं इधर से कहता हूँ आपने 00 के ऊपर बनाना है, एलिवेशन हमारा 200 का, आपने इधर 200 लिख देना है, इधर ग्रेड है हमारे पास 1.525 का, तो ये ग्रेड आपने इधर लिख देना है। और आपने ये ग्रेड इधर इस तरीके से इसको आपने इधर से इक्वल टू इस ग्रेड को इधर कॉपी भी कर सकते हैं। इसी तरह ये आप देख रहे हैं कि इधर से इस ग्रेड को आप कॉपी कर सकते हैं, इसको आपने इधर से F4 प्रेस करके इधर से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आप इसको इधर से डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली नीचे तक सारा पेस्ट हो जाएगा। आप इसी तरह ग्रेड सामने रख के जो भी प्रिंट वगैरह निकालना होता है साइड के ऊपर चीज़ें देनी होती हैं तो वो जाती हैं। तो इसी तरीके से आपने इधर स्टार्ट स्टेशन 00 कर देना है, आपके पास 10 मीटर का इंटरवल है आपने 10 कर देना है, 20 कर देना है और इसको आपने इसी तरीके से इनको आपने डबल क्लिक करना है तो ये आईडीज आपकी नीचे कन्वर्ट हो जाएंगी इसके ऊपर। इसी तरीके से जो जो से भी आप तरीका कर रहे हैं इसमें इसके सिंपल्स फार्मूले के हिसाब से एक्सेल के ऊपर ये चीज़ होती है। फार्मूला वही होगा, फार्मूला सारा आप एक दफ़ा लगा लेंगे, जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन होती जाएगी। इसको आपने इसी तरीके से सेट कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जैसे सेंटर कर दें दोनों तरफ,
सेंटर करने के बाद डेसिमल पेरेसिस को आप जितना सिलेक्ट करना चाहते हैं आप इधर से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इधर सारे एलिवेशन आएंगे। जैसे आप जो जो सी भी आप इधर से प्रोफाइल आप चेंज करते हैं 3.5 का ग्रेड करते हैं तो आप देखेंगे इधर से ऑटोमेटिकली 3.5 का सारा ग्रेड आ जाएगा। 4.1 का करते हैं 4.1 का आ जाएगा। -2.50 का करते हैं तो -2.50 के हिसाब से इस सारी कैलकुलेशन आपकी होती जाएंगी। तो आपने जो भी ग्रेड्स के ऊपर जो भी कैलकुलेशन करनी है जिस तरीके से करनी है तो सिंपल सा फार्मूला उसके ऊपर होता है। आपने कोई ज़्यादा उसके लिए हमें इधर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। एक्सेल के अंदर आप बहुत आसानी के साथ अपने काम को अंजाम दे सकते हैं, बहुत इजी तरीके के साथ इन काम को कर सकते हैं। आप इनके ऊपर काम किया करें और अपनी वर्किंग एक्सेल के ऊपर सारी किया करें। एक्सेल के ऊपर करने से आपका हाथ भी सीधा हो जाएगा और आपके नॉलेज के अंदर भी काफ़ी इजाफा होगा। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, मेरी वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है। जो भी वर्किंग है लैंड सर्वे के हवाले से वो ये पूरी डिटेल्स मैंने आपको पहले भी बताई है, दोबारा बता देता हूँ कि लैंड मार्केशन रोड्स की डिज़ाइनिंग है, एसबिल्ट सर्वे, बिल्डिंग सर्वे, लैंड डेवलपमेंट प्लानिंग, टोपोग्राफी, गूगल सर्विसेज हैं, हाउस आर्किटेक्ट प्लान, इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह, जो भी काम आप करवाना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप इन नंबरों के ऊपर कर सकते हैं, और फ़ोन करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर मुझे आप फ़ोन भी कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हम आपको फ्राहम करते हैं अच्छे तरीके से। हमारे पास कंप्लीट टीम बैठी हुई हर किस्म की और वो सारे काम आपको करके देगी। तो ये शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूंगा, उधर से आप इसको देख के डाउनलोड कर सकते हैं और अपना इसको बना भी सकते हैं खुद अच्छे तरीके के साथ। तो आप इसको बनाएं, वर्किंग करें इसके ऊपर, खुद वर्किंग किया करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये पूरा सिस्टम आस्ता आस्ता सीधा होना शुरू हो जाएगा। जिधर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स आप मेरी वीडियोस देख के उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ये लिंक ऊपर है, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और अपने दोस्तों यारों को ज़रूर इन्वाइट करना है। अल्लाह हाफिज़।